Raja was launched in 2014 December with a view of development of women. तो हमने जब लॉन्च किया तब हमने ये ध्यान रखा था कि women development को focus रख के हम काम करें, और आज हम साढ़े तीन साल हो गया, बट इस साढ़े तीन साल में हम बहुत सारे success story लेके चल रहे हैं साथ में. और ये जो आप तत्व देख रहे हैं, तत्व is all about an annual event जो हम साल में एक ही बार करते हैं, और वो focus पे रहता है. जैसे इस बार नर्चरिंग थाई सेल्फ है, नोइंग थाई सेल्फ, ऐसा कुछ भी एक थीम बेस करके हम करते हैं. उस हिसाब से हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और एक्सपर्ट्स आके अपना नॉलेज हम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं. लज्जा लॉन्च करने के उसके पीछे का आइडिया ये था कि जब से मैं सो आई एम द फोर्थ डॉटर टू माई फादर, माई पेरेंट्स इनफैक्ट, एंड हम देखते थे कि हमारा अपब्रिंगिंग बहुत ही डिफरेंट था, और जो डिफरेंट दूसरे गर्ल्स थी उनका अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट था, और देयर वाज कांस्टेंट कंपैरिजन गोइंग ऑन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. तो वो डिस्पैरिटी वो ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा फोरम होना चाहिए जिससे पब्लिक खुलेआम विमेन बात कर सके, नॉन जजमेंटल स्पेस जो बोलते हैं, जहाँ पे इनको जज नहीं किया जाएगा, जहाँ इनको ये नहीं होगा कि अगर तुम ऐसा बोलोगी तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हम सोचेंगे. सो इट्स अ कम्प्लीटली अ नॉन जजमेंटल फोरम स्टार्टेड बाय मी इन डिसम्बर 2014, एंड रिसेंटली सम मंथ्स बैक वी गॉट टू नो दैट इट्स इंडियाज फर्स्ट फोरम फॉर वुमेन. सो हार्डशिप्स तो आए हैं, बहुत सारे आए हैं, क्योंकि अब भी विमेन को लगता है कि उनको सेल्फ अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, राइट? अगर मैंने इनको बोल दिया कि आज आके हम सांत में बैठ के खाना खाएंगे कि पिक्चर देखेंगे तो विमेन आर रेडी, पर इनको बोला जाए कि आपको अपने डेवलपमेंट पे काम करना है तो स्टिल विमेन डोंट कम फोर्थ. तो वो चैलेंजेस कन्विंस करना, इनको समझाना कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़, तो वो हमें चैलेंजेस बहुत सारी आई हैं. बट इट्स बिन 3.5 to 4 years नाउ कि हम देख रहे हैं कि अभी पब्लिक को हम इतना मैसेज पास कर पा रहे हैं कि ज़रूरत क्या है इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है, और इस हिसाब से पब्लिक अब भी समझना शुरू हुई है दैट येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योर ओन सेल्फ ऑल्सो. जब हम बात कर रहे थे कि व्हाट डू वुमन एक्चुअली वांट, एंड वी रियलाइज दैट वी वांट एवरीथिंग, बीट आर पर्सनल लाइफ, बीट आर बिजनेस लाइफ, बीट विद आर फैमिली, बीट विद आर फ्रेंड्स, वी वांट एवरीथिंग इन लाइफ. तो लाइफ में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमारी लाइफ फुलफिल्ड लगे, वो सोच के ये तत्व इवेंट प्लान किया है. सो तत्व इवेंट स्पीक्स अबाउट इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इवन प्रोफेशनल वेलबींग. लाइफ में ये सब चीज़ है तो लाइफ फुलफिल्ड लगती है. एंड समथिंग स्पेशल अबाउट वुमन इज समटाइम्स दे नीड लिटिल पुश. कल्चरली वी फील एवरीथिंग दैट अ वुमन डज इज नेसेसरी टू बी कनेक्टेड विद अ फैमिली और पर्सनल फैमिली वेलबींग. हाउएवर everyone wants something for themselves, so this event speaks about what actually a lady wants in her life, be it her personal well-being, be it her emotional well-being, and that's how the entire event has come up. Social activities ke alawa bhi ghar bhi sambhalna padta hai, namak samar khane wane banane padte hain, aur ek chamach namak zyada ho gayi to bhi problem, kam ho gayi to bhi problem. सो लज्जा का मोटो यही है कि आप सबको साथ में लेके चलो. अगर एक औरत आप डिसाइड करें कि मुझे ये करना है, पर अगर सब भी कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा तो द वुमन कैन नॉट प्रोग्रेस, राइट? सो द मेन मोटो ऑफ लज्जा इज टेक योर फैमिली इन टू कॉन्फिडेंस, टेक योर चाइल्ड इन टू कॉन्फिडेंस, सबको साथ में लेके अपना काम लेके आगे चलो, अपना काम संभाल के आगे चलो. यू नो, ऐसा नहीं कि मैं आज डिसाइड किया मुझे कुछ नहीं करना है पर मैं करियर में ध्यान दूंगी, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज फॉर अ वुमन राइट फ्रॉम अ managing the house to a child to the husband, everything, she is the soul of the house, so she has to take care of everything, and that's what Lajja preaches. Next up, Lajja.
सॉरी नेक्स्ट सो लज्जा वेबसाइट आज लॉन्च हुआ, आपने देखा हमने वेबसाइट लॉन्च किया है. जनवरी में हम लोग सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो सीनियर सिटीजन सपोर्ट करेंगे सीनियर सिटीजन्स को, और उसके साथ जो हमारे ऑलरेडी वेंचर्स चल रहे हैं वो तो हम थोड़ा ज़्यादा पुश करने वाले इस साल में 2019 में. थैंक यू सो मच. थैंक यू which is a parent support group for hearing impaired children. It has been wonderful to be part of Tattva today in the morning. And I mean, the speakers, they were such wonderful speakers, throwing a lot of light on what the mental health has to be like. And I'm sure it's going to go a long way in taking this platform forward. And also the team of Lajja is very, very inspiring. I think I got so inspired by them, and I just pray and hope that they keep doing this inspirational work for themselves and for others. Thank you. This is very, very important because we want to know that we want to consultant radiation oncologist, and today I'm here at the event Tattva, which is Lajja's event. It is a forum for the women and by the women. I'm really happy to know that they have touched upon this topic, which is called as cancer awareness, which is cancer survive. And I think it is a need of our that people understand what cancer is, how does it spread, what are the things which we can do to prevent it. So I really I'm very happy about it and way to go for it. And I think every woman should understand that health is a priority, and they should really come forward and, you know, have an early detection, prevent cancer and fight against cancer. Thank you. I'm a company secretary by profession. I'm attending this event organized by Lajja team, Tattva, for the first time. I'm very much impressed, and all the sessions were very good so far I have attended. I especially liked Dr. Modi's session and the panel discussion on mental health, and the current session which is going on relationship. All the topics were chosen were very nice, and there are knowledge, a lot of knowledge which we can gain from it. And I really wish Lajja team to come up with many such programs in future, so that many women can get benefited by it, and I wish them all the very best. Thank you. मैं धनश्री धनावत कदम, and मैं सेंट्रल एम्बेसडर हूँ लज्जा के लिए, and स्किल्स डेवलपमेंट हेल्थ पैन इंडिया फॉर लज्जा.
मेरा नाम नम्रता जैन है, मैं लज्जा की कोर टीम मेंबर हूँ और लज्जा के साथ एसोसिएट हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में। ओके, सो तत्व का हमारा इस बार का थीम ये था कि औरतों के लिए ओवरऑल जैसे उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ सबका कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल की लाइफ में, एंड वो बैलेंसिंग एक्ट में स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड कुछ डिसीजेज हो जाती है मेंटल या फिजिकल। सो ये सब औरतें कैसे समझ लें कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, एंड हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट पैनल्स आज हमारे साथ हैं जो शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने केस स्टडीज, जिससे ये पता चले ये सब कैसे हो रहा है और उसमें से हम बाहर कैसे निकल सकें, अपने आप को नाक तोल के कैसे मेंटली स्टेबल रख सकें। तो हमेशा बोला जाता है कि स्त्रियों को एक्सप्रेस करना चाहिए, पर उसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे महिलाएं एक्चुअली आके बोल सके कि वो दिल से क्या फील करती है, जहाँ वो मल्टीटास्किंग करती है और कितनी सारे डोमेन्स में जो काम करती है। तो वहाँ पे हम एज अ लज्जा जो फोरम है, वहाँ पे हम ये महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आके एक्सप्रेस करें, वो शेयर करें कि उनका जर्नी कैसा है, और हम अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं जिससे उनके जर्नी में एक एडिशनल वैल्यू ऐड हो। तो हमारा हमेशा यही रहता है, और सारे इनिशिएटिव्स सारे जो सिटीज़ में चलते हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हर एरियाज़ में अलग अलग लोग इसको हेड कर रहे हैं जहाँ पर हम प्रोग्राम्स करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप रेगुलरली अलग अलग डिस्कशंस करता है, और इससे बहुत सी महिलाओं ने एक्सप्रेस किया है कि उनको हेल्थ और वेलनेस, जैसे इन्होंने बोला, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, सारे एरियाज़ में बहुत सारा उनको फ़ायदा हुआ है। माई नेम इज़ केया भट्ट, आई एम द लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड फॉर लज्जा, शी इज़ वंदना जोशल एंड आई एम द कॉन्टेंट राइटर फॉर लज्जा एंड Yes. So yes, we are here today. Today is Tattva 2018 and we are super excited about it already. We have some wonderful panelists in place and we are so proud to reach the state. Tattva is all about bringing people together in one under one platform so that you can have access to something which is generally not very easily available. And this is organized by Lajja. We already know a lot about Lajja, how Lajja works for women and is created by women. We all are strong foundations of Lajja. Vandana, would you like to tell about Tattva? Yes, Tattva was something jo kareeb humne June mein iske bare mein planning shuru kiya tha, aur tabhi kafi ideas aaye the dimag mein, fir humko laga ki health ke bare mein log बात तो करते हैं, फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बट फिज़िकल हेल्थ में भी कोई एक सर्टन एस्पेक्ट है। अभी हमने कैंसर के बारे में बहुत सुना, तो हमने सोचा चलो कैंसर के बारे में एक पैनल डिस्कशन हो जाए। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया हैज़ द हाईएस्ट, इस कम्स द थर्ड इन कैंसर केसेस, बट दोज आर रिपोर्टेड केसेस। जो रिपोर्टेड केसेस नहीं है उसके बेसिस पे देखेंगे तो इंडिया प्रॉबेबली रैंक्स फर्स्ट। और विमेंस कैंसर, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट, ओवेरियन, ये सब कैंसर सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। सो वी वांटेड टू टॉक अबाउट दैट, वी वांटेड टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट दैट। तो हमने सोचा चलो एक कैंसर पैनल हो जाए। फिर हमने देखा कि डिप्रेशन पे लोग बात कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण लाइक इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर समथिंग लाइक दैट। तो हमने सोचा ओके लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो देन वी केम अप विद द आइडिया ऑफ हैविंग मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये सारे चीज़ें इन सिंक में नहीं हो तो यू कांट लिव अ नॉर्मल लाइफ। होलिस्टिक लाइफ अगर चाहिए, तुम्हारा बॉडी भी फिट होना चाहिए, तुम्हारा माइंड भी काम होना चाहिए, और तुम्हारे आसपास जितने लोग जिनके साथ तुम रहते हो उनके साथ भी एक अच्छा मेल जोल होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हमने तत्व नर्चरिंग दाई सेल्फ का एक थीम बनाया, एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर एबल टू गेट सो मेनी एक्सपर्ट्स टू कम इन एंड टॉक टू अस एंड यू नो एग्री टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड आई थिंक ये आज की ज़रूरत है कि हम सिर्फ हमारा काम नहीं करते एक डायरेक्शन में, बट हम कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हैं। आज जो जिस तरीके के चैलेंजेस हैं हमारे पास एवरीडे वुमेन के, और 50,000 चीज़ें होती है करने के लिए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम खुद को भी कुछ इम्पोर्टेंस दें, समझें, जानें कि आज क्या हमारे पास, हमें
किस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए या किस चीज़ को क्योर करना चाहिए, जब ना कि जब सोनाली बेंद्रे या दीपिका पादुकोण इन इन लोगों जैसी हस्तियाँ जब बाहर आए तभी नहीं, हम खुद भी बाहर आए इन चीज़ों से और एक एफर्ट ले टू अंडरस्टैंड। तो तत्वों में हमने जो एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट को बुलाया है, ये हमारा एक छोटा सा अटेम्प्ट है सभी को बताने के लिए कि बहुत ज़रूरी है आपका एक एक्सेप्टेंस लेवल बनाना, एंड अगर कहीं अटके हो तो वहाँ से बाहर निकलो, बहुत हेल्प अवेलेबल है।